सिर गोवर्धन ये जगह है ना इसके अंदर सिर गोवर्धन ये तो भारी आरंभ अंदर अंदर गैलरी है अंदर चेयर भैया आप मत आइए बैठने पर ही तो दिक्कत है आपको क्यों नहीं बैठने दिया जाता अपने योगी जी ने क्या है दरअसल सर नियोजन क्या है आपकी की और आपका देश 100 करोड़ से अधिक सनातन धर्मी आज अपने देश और बाहर मिला करके रह रहे हैं उनको कदम कदम पर मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है वो चाहते हैं कि उनको स्वस्थ मार्गदर्शन मिले लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग भी समझते होंगे हम लोग भी समझते हैं लोग आकर के चर्चा करते हैं कि इसमें कमी आ रही है अधिकतर जहां से उनको आशा रहती थी कि मार्गदर्शन हमको मिलेगा अब अधिकतर लोग या तो सत्ता के नज़दीक हो गए हैं या तो विरोध में हो गए हैं तो राजनीति का पुट मिल गया है सनातन धर्मी चाहते हैं कि हमको स्वस्थ धार्मिक मार्गदर्शन प्राप्त हो तो हम लोग ये जो धर्म संसद काशी में आयोजित कर रहे हैं इसमें हम लोगों का विचार है कि बिना राजनीति का सम्मिश्रण किए बिना चेहरा देखे जो जरूरी हो और जो उचित हो स्वस्थ मार्गदर्शन सनातन धर्मियों का किया जाए इसीलिए सनातन धर्म संसद यहाँ पर आयोजित हो रही है ये 25, 26, 27 नवंबर को होगा 24 तारीख की शाम को उद्घाटन हो जाएगा और 28 को विदाई होगी इस तरह 5 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा राम मंदिर निर्माण के लिए देखिए राम मंदिर निर्माण तो बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें पूरे देश की नज़र लगी हुई है जब भी धार्मिक लोग समवेत होंगे तो देश की जनता जानना चाहेगी कि राम मंदिर के बारे में इनके क्या विचार हैं तो राम मंदिर और साथ ही साथ दूसरे मंदिर शिव जी के मंदिर गणेश जी के मंदिर देवी जी के मंदिर उनकी क्या हालत है केवल राम मंदिर बना करके सनातन धर्मियों का काम चल जाएगा जो मंदिर हैं उनकी सुरक्षा के बारे में क्या है जो मंदिर लगातार आए दिन विकास के नाम पर या किसी और नाम पर तोड़ दिए जा रहे हैं उनके अंदर स्थापित मूर्तियाँ उनकी पूजा रोक दी जा रही है मूर्तियों को तोड़ करके फेंक दिया जा रहा है मूर्तियाँ गायब कर दी जा रही हैं मांगने से भी नहीं सामने लाया जा रहा है उस बारे में क्या होगा तो वो भी एक विचार है जो सनातन धर्मियों के हृदय को छलनी कर रहे विषय हैं उन विषयों पर विचार होकर के निर्णय होना है कहां कहां से लोग इसमें आएंगे इसमें पूरे अपने देश के 543 संसदीय क्षेत्रों से 543 सदस्य होंगे साथ ही साथ जो 99 देश के प्रतिनिधियों को भी हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं हालांकि इस संसद में सम्मेलन में वो नहीं सब लोग आ पाएंगे लेकिन जो आगामी जनवरी में 29, 30, 31 मई को प्रयाग में कुंभ होने वाला है उसमें 99 देश के भी प्रतिनिधि रहेंगे और विद्वान रहेंगे संत रहेंगे पूरे देश अखाड़ा परिषद 13 अखाड़ों के एक प्रतिनिधि रहेंगे शंकराचार्यों के प्रतिनिधि रहेंगे और ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्तोपानंद सरस्वती जी महाराज वही इस धर्म संसद के परम धर्माधीश हैं तो वो उपस्थित रहेंगे